वेलकम बैक इन द वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ब्रश फॉर बिगिनर आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट, मैं दोनों के लिए, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए भी और एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए भी ब्रशेस बताने जा रहा हूँ। और ये ब्रशेस बिगिनर्स अफोर्डेबल है और आर्टिस्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे पास है, सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ इतने ब्रशेज हैं, एक एक करके दिखाता हूँ। ऐसे कुछ फॉर्म वॉर्म आ जाते हैं, थोड़ा सामान है इसमें, पैलेट नाइफ ये सब, इतने सब ब्रशेज हैं मेरे पास। और इसमें से मैं आपको बताता हूँ बिगनर्स के लिए कौन से बेस्ट ब्रशेज रहेंगे। बिगनर से इसे अलग से इस 7 नंबर के ब्रश बाय कर सकते हैं, वरना पैकेट आते हैं ये कंपनी के नहीं होते, वो चाइना के ब्रश के सेट के, ये आपको 6 ब्रश का सेट मिलता है, बहुत अफोर्डेबल होते हैं और बहुत अच्छे चलाते हैं। मतलब मैंने जब ड्राइंग स्टार्ट की तो यही यूज़ करके की थी, मैं को खा रहा हूँ आपको। तो ये और है, जैसे ये हो गए दो और फ्लैट 5, ये हो गए, और ये फ्लैट का सेट में से फ्लैट मैं सजेस्ट करूँ आप अलग से बाय कीजिएगा फ्लैट, क्योंकि इसके अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो मैं सजेस्ट करूँ आप और कोई कंपनी की बाय कर लेना। और ये देखिए, मतलब ब्रश तो मेरे पास बहुत है, दिखाते तो मुझे रात हो जाएगी, ब्रश मेरे पास बहुत है, मेरी कलेक्शन एक तरह समझो। ये बिगनर्स के लिए ये एक्वेलिक भी, वाटर कलर भी, दोनों का महंगे आपके पास, बिगनर्स आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक्वेलिक पेंटिंग ही करते हो तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे दिस टाइप के ब्रश ले सकते हो, ऐसे जो आगे से राउंड ब्रश कहलाते हैं, ये एक्वेलिक के लिए ही मिलते हैं, पर ये थोड़े प्रीमियम होते हैं, 400 के 4 का सेट आता है, ये 300 वाला सेट है, सो आप बाय कर सकते हो याले। ये 1 की प्राइस ही 100 होती है, और उसकी 1 ये 40 रुपीज़ का पैक में आपको 6 मिल जाते हैं, समझ लीजिए। मैं आपको, आपके बजट ज़्यादा है तो आप ये लीजिए, वरना आप सारे मीडियम करते हो तो फिर आपके लिए बेस्ट हैं बिगनर्स के लिए। और फिर आपकी ड्राइंग अच्छी, आपके पास थोड़ा बजट है कुछ अच्छे ब्रश बाय करने का, तो आप कैमिल के ऊपर जा सकते हैं। भाई कैमिल माय फेवरेट कंपनी है भाई। मैं कैमिल के आपको फ्लैट ब्रशेस का सेट दिखा देता हूँ, मैंने कैमिल के ही सबसे पहले ब्रश बाय किए थे आर्टिस्ट में, जो एक कैमिल से अच्छी कंपनी नहीं है, ऑल इंडियन कंपनी के लिए बात, सो उस पर भरोसा भी करा जा सकता है। सो ये है मेरे पास फ्लैट का एक सेट, इसके अंदर भी आपको 7, इसमें 7 ब्रशेस मिलते हैं, और इसमें नंबर है 12, 10, मतलब बहुत अच्छे जो बाकी सब में आते हैं, और 12 का प्राइस 145, मतलब प्रीमियम होंगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होंगे, 700 रुपीज़ तक आपका एक सेट आता है, मतलब 500 रुपीज़ तक का एक सेट आएगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होंगे। आप उसके साथ भी लेते हो राउंड वाले किट तो आपको पड़ेगा 700 रुपीज़ तक का। तो ये बेस्ट ब्रश, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक सबसे बेस्ट ब्रशेज है इस प्राइस रेंज में भी आर्टिस्ट के, मैं तो यही यूज़ करता हूँ। फ्लैट में मेरे पास एक सेट और रखा है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो ब्रुस्टो का है, वो आपको लास्ट में दिखाता हूँ, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए होता है। ये आप अभी आपका बजट है, आप अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो आप ये ऑफकोर्स बाय कर सकते हो। इसमें मेरे पास राउंड का ही मैंने 2 सेट बाय किए थे, तो मुझे भी नहीं पता मैंने राउंड के 2 क्यों बाय किए थे, आई डोंट नो रियली। मेरे पास पूरे 2 साइड्स है, तो इसको मैं साइड करता हूँ, ये देखिए ये है, ये 2 साइड्स है, इसमें मेरे सबसे 14 ब्रश होंगे, और यहाँ पे सबसे थिक की प्राइस है
12 की 110। सो वेल, ये भी कॉस्टली है, बट इससे अच्छे ब्रश राउंड में वाटर कलर के लिए ब्रश तो हैं, बट उससे नीचे ये बेस्ट, मतलब आप मॉप ब्रशेस नहीं लेना चाहते तो ये बेस्ट ब्रशेस कहलाएंगे। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, आप देख ही सकते हो कितने सारे ब्रशेस, मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्रशेस हैं। मैंने दो साइड बाई किए थे इसलिए थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं आपको, इसके आधे ब्रशेस मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। सो अब मैं बढ़ता हूँ कि एक आते हैं इस टाइप के ब्रशेस, इसको हम कहते हैं फैन ब्रश। फैन ब्रश आपको एक इस इक्वेल के लिए, तो मेरे पास फैन ब्रशेस आर्टिस्ट के लिए अच्छे होते हैं जो नेचर और कैनवास पे ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं, और ये वाटर कलर के लिए होते हैं और ये एक्वेलिक के लिए। सो मेरे पास थोड़े फैन ब्रशेस और जो मैंने बाय किए रिसेंटली, सो दिस 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 एंड मैंने 4 ब्रशेस सेल बाय किया रिसेंटली। इसमें मुझे मिल जाते हैं 2 नंबर 4 नंबर 6 एंड 8, और ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रशेज है। ये मुझे 100 का यही मिला था, और ये मुझे मिला था 220 तक का, मतलब बहुत प्रीमियम ब्रश थे और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहली बात तो कंपनी के, कंपनी का नाम नहीं बता रहा क्योंकि ये सिर्फ मैं जहाँ पे देता हूँ उसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट ब्रश है, ये बहुत ज़्यादा ही मेरे फेवरेट ब्रशेज कहलाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो फैन ब्रशेज लीजिए, कोई भी कंपनी के फैन ब्रशेज बेस्ट। मैं भाई इसी कंपनी का एक छोटा वाला है, ये भी बहुत अच्छा है। और अब बढ़ते हैं हम फ्लैग ब्रशेस की तरफ, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, याद रखना ये भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, और ये फ्लैग ब्रशेस प्रोफेशनल आर्टिस्ट के हैं। ये मेरे पास एक कंपनी, वो भी कंपनी का जिसके मैंने फ्लैग ब्रश लिए, 50 mm का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक ये है जो आपको कोई सी भी पेंट वॉल पेंटिंग की शॉप पे कभी मिल जाएगा, ये ब्रश ये 25 mm में, इसमें 100 mm तक का ही आता है, तो मैंने 25 mm का ये लिया हुआ है और 50 mm का ये कैनवास के लिए बेस्ट। सॉरी ये नहीं, सब बढ़ते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के एक और टूल की तरफ जो है ब्रशों के ब्रशेस। ये बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रशेस हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये ज़्यादा प्रीमियम नहीं है और हेयर ब्रश बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम भी नहीं है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं ये ब्रश से, इसमें भी आपको 10 नंबर तक मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिल जाते हैं, फ्लैट भी मिलते हैं, राउंड भी मिलते हैं, एक्वेलिक के लिए भी मिलते हैं, आपको सारे इसमें मिल जाते हैं। और इस प्राइस रेंज में मुझे सच कोई ब्रश नहीं मिले तो मैंने इसको बाय किया, और आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इससे अच्छे में ब्रश नहीं मिले अभी तक, और ये बहुत ज़्यादा ये अच्छे ब्रशेस कहलाते हैं, और ये एक्वेलिक ऑयल और वाटर कलर तीनों के लिए अच्छे हैं और मेरी फेवरेट ब्रशेज हैं भाई। ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए तो बेस्ट टूल है, मतलब बेस्ट टूल। मैं सोच रहा हूँ आगे चल के इसका भी हम गिव अवे करेंगे, बट अभी के लिए मेरे तो ये फेवरेट है और भाई बेस्ट ब्रशेस रहेंगे, बेस्ट ब्रशेस हैं। और लोग पूछ रहे थे कि भाई लास्ट गिव अवे का क्या हुआ, रिजल्ट में प्राइस किसको मिले, तो गाइस जो प्राइस थे वो उनको मैंने सेंड कर दिए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर उनसे बात हो गई है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन डालना भूल गया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर मेरे नाम पर उन्हें सर्च करके मुझे कर दिया था मेल। सो बहुत अच्छी बात है, तो इतने सारे मेरे पास से आप इनमें से जो मैं बोलूँ सजेस्ट करूँ बिगनर आर्टिस्ट, इन पर तो जाना मत क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके काम के आपको समझते नहीं आएगा कैसे क्या यूज़ करने। आप कैमल के भी आते हैं ऐसे सस्ते वाले, आप ये बाय कर सकते हो, और प्राइस में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और क्वालिटी तो भाई बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी है, मैं नहीं कह रहा क्वालिटी बेकार, बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी कह सकते हो, तो ये बाय आप कर सकते हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपके ये नहीं मिले तो आप ये तो कई हर जगह मिल जाते हैं, तब ये बाय कर लेना, ये सस्ते में अच्छा माल।
बेस्ट, वरना आप अलग से ऐसे ऐसे ब्रश बाय कर सकते हो, ये आपको सस्ते पर नहीं मिलता, 40-50 का आएंगे एक ये सिंगल ब्रश, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इससे सिंगल बाय कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। और मैं अब आपको एक्वेलिक वीडियोस भी लाते रहूँगा, आपको एक्वेलिक में या ऑयल में या वाटर कलर में कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप ये वाले ब्रश बाय कर रहे हो कैमिल के, तो ये ऑयल के लिए नहीं है, ये सिर्फ वाटर कलर एंड एक्वेलिक के लिए बेस्ट है। मैं आपको ऑयल के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ख़राब हो जाएंगे। सो बिगनर्स के प्यार करके आप ये बाय कीजिए, आर्टिस्ट को तो भाई उनके पास बजट रहता है तो कुछ भी बाय कर सकते हैं, बस बिगनर्स के पास उतना बजट नहीं रहता है, उनकी इतनी इनकम नहीं होती इतनी जल्दी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बाय बाय।